राजधानी शिमला में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों छोटा शिमला थाना के अंतर्गत दो मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं पुलिस थाना बालूगंज के अंतर्गत आज एक मामला दर्ज किया गया है। छोटा शिमला थाना के तहत 16 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी, वहीं 52 साल के पुरुष ने भी आत्महत्या की है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं बालूगंज थाना के अंतर्गत दर्ज किए गए एक मामले में 17 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी माता और बड़े भाई के साथ रहता था। रात को युवक अकेले कमरे में सोने चला गया, वहीं सुबह मां द्वारा देखने पर युवक अपने कमरे में मृत पाया गया। शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें युवक ने स्वयं को अपनी मौत का जिम्मेवार ठहराया है। वहीं एसपी सिटी रमेश शर्मा का कहना है कि सभी मामलों में गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, शिमला में गत दो दिनों में जो है लगातार दो मामले पहले छोटा शिमला थाने के अंतर्गत हुए और आज एक मामला जो है बालूगंज थाना के अंतर्गत हुआ है। छोटा शिमला में एक 16 साल की युवती ने जो है फंदा लगाकर आत्महत्या की है और एक जो है 52 साल के जो पुरुष ने है वो आत्महत्या की है। अभी तक की जो जांच है इन दोनों मामलों में ये पाया जा रहा है कि आत्महत्या का ही मामला है। पोस्टमार्टम करवाकर जो है लाशें जो है उनके परिवारजनों को सौंप दी गई थी और आज एक मामला पुलिस थाना बालूगंज के अंतर्गत आया है, जहां की एक 17 वर्ष के एक युवक ने रात को फंदा लगाकर जो है आत्महत्या की है, जो कि अपने माता और बड़े भाई के साथ रहता था। रात को ये अलग कमरे में सो गया था और वो अलग कमरे में, और सुबह जब इसकी माता उठी तो देखा कि ये दुपट्टे के साथ जो है खिड़की की ग्रिल से लटका हुआ है। उसने पुलिस को सूचित किया, लेकिन जब तक पुलिस मौका पर पहुंची तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 174 सीआरपीसी के अंतर्गत जो है जांच की जा रही है। देखिए, इसमें अभी तक तो ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चला है कि क्यों ये आत्महत्या की है। हाँ, ये जो बालूगंज में जो युवक जिसने आत्महत्या की है उसने जो है एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपने आप को ही अपनी मौत का जिम्मेवार ठहराया है और कोई बात विशेष उसमें नहीं लिखी है। तो बाकी इसकी जो है आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और जैसी भी स्थिति सामने आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।